दशहरा जो आज तक बचपन से हमने सुना है, बुराई का अंत अच्छे कर्मों से, यानी जो दशहरा यानी जो दश, यानी जो मैंने भी खुद दशानन किया है कि दस जितनी सारी चीज़ें हैं, जो दस बुराइयां हैं या उसको कह सकते हैं कि उनको हरा के जो जीत हुई है वो दशहरा। मेरा जो आइडिया है वो लॉन्ग ड्राइव भी हो सकता है या किसी एक जगह पर बैठ कर, मुझे ज़्यादा उसमें रोमांस में ज़्यादा ये अच्छा लगेगा कि उस जगह से या उस प्लेस या उस जगह से आपकी कंपनी कौन है, यानी आप सच में उससे लगाव रखते हैं या आप ओपरी भाव से ही उससे वो करते हैं। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो कंपनी, तो कहते हैं ना वो कंपनी मैटर्स। बहुत सारे फेवरेट गाने हैं पुराने से लेकर अब तक, राजेश खन्ना के गाने हों या अमित जी के हों या शाहरुख खान के हों, आमिर खान के हों। तो आजकल जो फ़िलहाल गाना जो मुझे इमीडिएट याद आ रहा है, तो अभी भी मैंने वो सुना था रास्ते में, रंग दे तू मुझे वो गेरुआ, वो इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। वो शाहरुख खान बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं उस पर। जिम एक्सरसाइज करते हुए बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स भी बज रहे होते हैं जिम में। हाल फिलहाल में वो मुबारका का हवा हवा चल रहा है, वो भी सुन सकते हैं, तो आई थिंक वो भी अच्छा है गाना। यस, मस्ती है। मैं यही सोचता हूँ कि एंजॉय करें लाइफ, एंजॉय करने में कोई हर्ज नहीं है जब तक वो उसको गलत तरीके से ना ले जाएं। बाकी सब ठीक है, अब मस्ती तो करनी है, लाइफ एक ही है, उसमें पूरी मस्ती होनी चाहिए। वो रावण का भी है, कंस का भी है, और हम उनसे उस हर इंसान का है जो अंदर से नेगेटिव है और वो किसी ऐसी चीज़ को देखकर अंदर से जब जोर से हंसता है Oh.